Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you EVS 1 lesson number 20. I'll be responsible and sensitive. I will be responsible and sensitive means मैं ही responsible रहूँगा और मैं ही क्या हूँ sensitive. Now see the first picture. इट वॉज दीपिकाज बर्थडे. अब ये क्या है, दीपिका का बर्थडे है. शी हैड इन्वाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स टू हर हाउस. और उसने क्या करी, अपने सारे दोस्तों को घर पर बुलाई है. When her friends came, she put on music at a loud volume and all of them began to dance and हैव फन. तो देखो, जब उसके दोस्त आए दीपिका के बर्थडे पार्टी में, तो उसने क्या करी, उसने लाउड वॉल्यूम पे क्या कर दी, लाउड वॉल्यूम पे म्यूजिक चालू कर दी और सब क्या करने लगे, डांस करने लगे और हैव फन. ओके, और मस्ती करने लगे. हर नेबर वॉज एन एडरली पर्सन. अब देखो, जो उसके नेबर है वो क्या है, एडरली पर्सन है, मीन्स वो एल्डर है, वो सीनियर सिटीजन है, बूढ़े हैं. ही सफर्ड फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर. और उनको क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है, मीन्स हाई बीपी है. ही कुड नॉट टॉलरेट वेरी लाउड म्यूजिक. और हाई ब्लड प्रेशर के होने की वजह से वो ज़्यादा लाउड म्यूजिक नहीं सुन सकते. He asked Deepika to turn down the volume. तो उन्होंने क्या करा, दीपिका को बोले कि वॉल्यूम को क्या करो, कम कर दो. दीपिका रियलाइज दैट ही वॉज सफरिंग बिकॉज ऑफ द लाउड म्यूजिक. तो दीपिका को ये रियलाइज़ हुआ कि वो जो है वो क्यों सफरिंग कर रहे हैं, क्योंकि लाउड म्यूजिक है, इसी की वजह से वो सफ़र कर रहे हैं. शी टर्न डाउन द वॉल्यूम एट वंस. तो उसने क्या करी, वो वॉल्यूम को कम कर दी. And he realized his mistake. Rahul's grandmother used to wait for him to return from school every day. तो देखो, राहुल जो है, उसकी जो grandmother है, मतलब उसकी जो दादी है, वो रोज़ उसका इंतज़ार करती थी कि वो कब स्कूल से क्या होगा, रिटर्न घर पे आएगा. When he returned, she would give him something to eat. ताकि जब भी वो रिटर्न आएगा तो मैं क्या करूँगी, उसको कुछ खाने को दूंगी. She asked him about what had happened in school that day. तो उन्होंने उससे पूछा के स्कूल में उस दिन क्या हुआ. एज फॉर राहुल, ही कुडंट वेट टू फिनिश ईटिंग एंड वॉच कार्टून्स ऑन टीवी. तो देखो, राहुल की बात अगर करें तो वो रुक नहीं सकता, मतलब वो क्या करता है, फटाफट खाना ख़त्म करके कार्टून्स देखने बैठ जाता है टीवी पे. ग्रैंड मदर फेल्ट वेरी बैड दैट राहुल डिडंट टॉक टू हर प्रॉपरली. तो उसकी ग्रैंड मदर को बहुत बुरा लगता है कि जो राहुल है उनसे सही से बात नहीं करता. When Rahul's parents noticed this, they also felt bad about it. देखो, जब उसके राहुल के पेरेंट ने ये चीज़ नोटिस करे तो उनको भी ये चीज़ बहुत बुरी लगी. One day Rahul's father explained to him how his behavior hurt his grandmother. तो एक दिन राहुल के डैडी ने उसको बोले कि तुम्हारा बिहेवियर grandmother को तुम्हारी देखो कैसे हर्ट करता है. राहुल रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. तो राहुल को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई. फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स ही बिगिन टू टॉक टू हिज ग्रैंड मदर लविंगली. वो दिन के बाद से वो अपनी ग्रैंड मदर से एकदम प्यार से बात करने लगा. Can you tell? देखो, क्या आप बता सकते हो. Discuss both the above incidents in class. देखो, आपको क्या करना है, वो दोनों incidents को अपने class में discuss करना है. Why was Rahul's and Deepika's behavior wrong? अब देखो, राहुल और दीपिका का behavior wrong क्यों था, क्योंकि वो अपने society, मतलब अपने neighbor का नहीं सोच रहे थे कि वो क्या है,
वो एल्डर है, उनको बीपी की बीमारी है, राइट, उनको ब्लड प्रेशर है, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। सो सी, तो देखो दीपिका का क्या था कि वो लाउड म्यूजिक लगाई थी, राइट, और राहुल का क्या था कि वो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से प्रॉपरली बात नहीं करता था, तो ये बिहेवियर क्या है, रॉन्ग है। नाउ हाउ डिड दे करेक्ट देयर मिस्टेक, अब उन्होंने अपनी मिस्टेक को सही कैसे किया, क्या किए, वो जो थी दीपिका ने क्या करी, वो लाउड म्यूजिक को बंद कर दी, राइट, और राहुल ने क्या करा, अपनी ग्रैंड मदर से अच्छे से बात करने लगा। आर देयर ओल्ड पीपल लिविंग इन योर होम और नेबरहुड, के आपके घर में या आपके आस पड़ोस में बूढ़े लोग रहते हैं, व्हाट हेल्प कैन यू ऑफर टू देम, उनको आप क्या मदद कर सकते हो। वी ऑल आइदर लिव विद और आर रिलेटेड टू ओल्ड पीपल, देखो वी ऑल आइदर लिव, या तो हम उनके साथ रहते हैं या फिर हम उनके साथ में रिलेटेड करते हैं, किनसे, ओल्ड पीपल से, मीन सीनियर सिटीजन से। दे लव अस एंड पैम्पर अस, वो क्या करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें लाड़ करते हैं। हाउ एवर दे कैनॉट रन अबाउट एंड प्ले लाइक अस, लेकिन वो हमारे जैसा भाग नहीं सकते, हमारे साथ खेल नहीं सकते। दे ऑफन नीड सम स्मॉल टास्क डन फॉर देम लाइक फैचिंग मेडिसिन और अदर प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, देखो कभी कभार उनको कुछ जैसे दवाई निकाल के देना, उनके लिए मार्केट से सामान लाना, रिमूविंग थिंग्स फ्रॉम लॉट्स और थ्रेड नीडल्स, देखो बहुत सारी चीज़ों में मदद करना, उनको सुई में धागा पुरा कर देखना, राइट। इफ़ वी कैरी ऑल दिस टास्क फॉर देम इट इज़ ग्रेट हेल्प टू देम, अगर हम ये छोटी छोटी मदद उनको कर देते तो उनके लिए ये बहुत हेल्प का काम हो जाता है। इफ़ द टीवी और म्यूजिक इज़ प्लेड लाउडली इट कैन बी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर देम, अगर देखो टीवी या म्यूजिक, टीवी पे म्यूजिक एकदम जोर की लाउडली बजने लगा तो वो उनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग होगा, राइट, ये चीज़ उन्हें बहुत डिस्टर्ब करेंगी। एट सच टाइम वी मस्ट लोअर द वॉल्यूम, ऐसे टाइम पे हमको हमारी आवाज़ कम रखनी चाहिए। ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑफन एट होम ऑल डे, अब देखो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, हमारे घर पे ही होते हैं। देयर ओनली पास्ट टाइम इज़ टॉकिंग टू देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, उनका पास्ट टाइम क्या होता है कि वो सिर्फ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से, राइट, अपने पोते पोतियों से और अपने बच्चों से बात करने में गुजार देते। दे आर क्यूरियस अबाउट व्हाट देयर ग्रैंड चिल्ड्रन डू एट स्कूल ऑल डे, वो बहुत क्यूरियस रहते हैं ये जानने के लिए कि उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो स्कूल में क्या करते हैं। दे हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर अस, उनके दिलों में हमारे लिए बहुत अफेक्शन है। दे फील हैप्पी व्हेन वी स्पीक टू देम लविंगली, उनको अच्छा लगता है जब उनसे हम प्यार से बात करते हैं। Now can you tell if someone at home or in the neighborhood is suffering from an illness, what should you do? अगर देखो आपके आसपास कोई है जो बीमार है तो आप क्या करोगे? Put a right in front of the statement you agree and wrong in front of those you disagree with, आपको right वो statement पर लगाना है जिस पर आप agree करते हो और wrong वो statement पर लगाना है जिस पर आप agree नहीं करते हो। वी शुड विजिट द पेशेंट फ्रीक्वेंटली एट एनी ऑड आर, देखो क्या हमको हॉस्पिटल में कोई भी टाइम पे पेशेंट को देखने जाना चाहिए क्या? नो, राइट, सो यू हैव टू पुट रॉन्ग ओवर हियर, ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ सेकेंड वन, द पेशेंट शुड बी गिवन मेडिसिन एट द प्रॉपर टाइम, अब देखो जो पेशेंट होते हैं उनको मेडिसिन सही टाइम पे देनी चाहिए, दिस इज द राइट स्टेटमेंट, राइट, सो यू हैव टू पुट राइट ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट, द पेशेंट शुड बी ऑफर्ड फ्राइड फूड, अब देखो वो जो पेशेंट होते हैं जो मरीज होते हैं उनको क्या तला हुआ खाना देना चाहिए क्या? नो, राइट, दिस इज रॉन्ग, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, सो यू हैव टू पुट रॉन्ग ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, द पेशेंट शुड नॉट बी गिवन अनवांटेड एडवाइस, अब देखो उनको कभी भी पेशेंट को अनवांटेड एडवाइस नहीं देनी चाहिए, राइट, सो दिस इज, सो यू हैव टू पुट राइट ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट,
द पेशेंट मस्ट बी गिवन मील्स एट द राइट टाइम. अब देखो जो पेशेंट होते हैं उनको खाना बराबर राइट टाइम पे देना चाहिए. दिस इज राइट. वन शुड वॉच टीवी एट अ लाउड वॉल्यूम इन अ पेशेंट रूम. अब देखो मरीज के रूम में क्या टीवी जोर से सुनना चाहिए? नो राइट. सो यू हैव टू पुट रॉन्ग. द पेशेंट मस्ट बी बाथ ओनली एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर. देखो पेशेंट को जब डॉक्टर ऑर्डर करे तभी नहाना चाहिए. दिस इज राइट. नाउ लास्ट वन. व्हेन द पेशेंट इज बेटर मेडिसिन शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर. दिस इज रॉन्ग. अगर पेशेंट को थोड़ा अच्छा लग भी रहा है तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए फिर ही मेडिसिन को रोकना चाहिए. राइट. We all wish for a patient to get well soon. देखो हम सब विश करते हैं राइट कि जो पेशेंट होते हैं वो क्या हो जाए जल्दी से ठीक हो जाए. Yes. So we all wish for a patient to get well soon. देखो हम हर कोई विश करता है राइट कि जो पेशेंट है वो क्या हो जाए जल्दी से ठीक हो जाए. For this we should follow the doctor's advice and take care accordingly. उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना पड़ेगा राइट और उनका ख्याल रखना पड़ेगा. आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड फॉर इंजरीज द पेशेंट मस्ट बी टेकन स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल और अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर. अब देखो वो जो पेशेंट है उसको अगर कोई भी इंजरीज है राइट तो पेशेंट को क्या करना चाहिए? डायरेक्टली हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर लेकर जाना चाहिए. डू नॉट डिपेंड ऑन टेल्समेंस एम्बुलेंस एंड इन एक्शंस. कंसल्ट अ डॉक्टर ऑन टाइम. तो देखो टेल्समेंस एम्बुलेंस ये सब क्या होता है मालूम? तावीज़ों पे राइट नज़रबंदियों पे ये सब पे विश्वास नहीं करने का. आपको क्या करना चाहिए? डॉक्टर को तभी के तभी कंसल्ट करना चाहिए.